पेटवेट टाउन में स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे इंजेक्शन इंटरसेप्ट एजो के बारे में कि ये जो इंजेक्शन है कौन कौन से पशुओं में लग सकता है, किन किन बीमारियों में लग सकता है और इस इंजेक्शन की जो है डोज क्या रहती है, इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन इंटरसेप्ट जो टेजो है वो मार्केट में चार तरह की कैटेगरी में उपलब्ध है, 562.50 mg में, 2250 mg में और 3375 mg में और 4500 mg में। तो ये चार प्रकार की जो कैटेगरी में ये जो इंजेक्शन है अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये क्या क्या वर्क करता है, किन किन बीमारियों में ये काम करता है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सेफ्ट्रेक्सोन टोजोबैक्टम। तो ये एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनको जो किल करता है, उनको नष्ट करता है, उन पर वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इंजेक्शन जो कैटल में है, पशुओं में किन किन बीमारियों में ये यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले क्या है कि अगर गाय भैंस को थनेला रोग हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए, चाहे वो एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल सब क्लिनिक किसी प्रकार का मेस्टाइटिस हो, उसमें ये क्या है कि इस इंजेक्शन का यूज़ अपन जो है कर सकते हैं। और दोस्तों इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन टोजोबैक्टम का जो यूज़ है, जो जानवर में गाय भैंस में किसी तरह का रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है, उनको जो रेस्पिरेटरी से संबंधित कोई समस्या है, जैसे निमोनिया है, जुखाम है, खांसी है या ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया है, कोई तरल पदार्थ ऐसा पिला दिया है जिससे उसको क्या है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो अपने क्या है कि उसमें भी इस इंजेक्शन का इंटरसेप्ट है जो बैक्टम है इसका जो अपन यूज़ कर सकते हैं। और अगर गाय भैंस को किसी प्रकार का गलगोटू हो गया है, उसको HS है, हेमरोजिक सेप्टिसीमिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि अपन जो गाय भैंस में क्या है कि इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों पशुओं के रक्त में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसको सेप्टिसीमिया बोल देते हैं। सेप्टिसीमिया हो जाता है गाय भैंस को या जो अन्य जो पशुओं को, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि इंटरसेप्ट जो इंजेक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज़ है जो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में जो इन्फेक्शन है उसको रोकथाम के लिए जो किया जाता है, और अगर जो पशु में किसी तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, पेट संबंधी कोई इन्फेक्शन हो, तो उसको कम करने के लिए भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग दोस्तों किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को अपन कौन कौन से जानवर में यूज़ कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट तो और मुर्गियों में भी, और लगभग क्या है कि सभी जानवरों में इस इन्फेक्शन जो इंजेक्शन का उपयोग अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूट की। ये इंट्रा मस्कुलर पुट्ठे पे और IV इंट्रावीनस जो नाड़ी में इंजेक्शन लग सकता है। और दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, ये अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल को लगाया जाता है तो उसमें बिल्कुल सेफ है। और अब बात करते हैं डोज की। अगर गाय भैंस को अगर ये डोज दी जाती है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है, 5 mg से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और अगर घोड़ों में बात करते हैं इस इंजेक्शन की डोज की, तो घोड़ों में क्या है कि 25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस इंजेक्शन की स्टोरेज की। इस इंजेक्शन को रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, इसको डायरेक्ट धूप, ये जो धूप है उसको नहीं लगनी चाहिए। और ये एक तरह से पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होता है, और इसको डिजोल्व करने के लिए इसके साथ डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर आता है, तो आप डिस्टिल वाटर के साथ ही इसको क्या डिजोल्व करके जो जानवरों पर उपयोग करें। और दोस्तों आपको खास बात इस बात का ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग करना है, आपने घर पे इसको उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों एक मुख्य बात यह है कि इस इंजेक्शन को 3 से 5 दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है, और जहाँ तक होता है कि ज़्यादातर इसको 3 दिन ही उपयोग में लिया जाता है। ज़्यादा उपयोग में लेने से क्या है कि कभी कभी एक तरह से हैवी एंटीबायोटिक होने से जानवर के ऑफ फीड होने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा क्या है कि उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। और इस इंजेक्शन का जो दूध में असर है वो 7 दिन तक रहता है। अगर कोई जानवर मीट पर्पज के लिए पाला जा रहा है तो उसके मीट में इस इंजेक्शन का जो असर है वो 28 दिन तक रहता है। तो दोस्तों ये था इंटरसेप्ट एजो इंजेक्शन के बारे में जानकारी थी, और आपको इस इंजेक्शन को पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपने उपयोग करना है। और दोस्तों इसी तरह की आप और जानकारियाँ लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको किस इंजेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए, कौन से डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।